So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, in this video, we will discuss a question: why aliphatic amines are more basic than ammonia? जो aliphatic amines हमारे पास होते हैं वो ammonia से ज़्यादा basic होते हैं. So, इसका reason जानने की हम कोशिश करेंगे. So, इससे पहले कि हम question के ऊपर आएँ, पहले amines के ऊपर जान लेते कि amines क्या होते हैं. Amines हमारे पास ammonia के derivatives होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अमोनिया का फार्मूला NH3, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जॉइन है. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है. सो अगर इन 3 हाइड्रोजन में से 1, 2 और 3 कितने भी हाइड्रोजन को निकाल के अगर आप वहाँ पर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो एमाइन बन जाता है. वो प्राइमरी एमाइन भी हो सकता है, सेकेंडरी एमाइन भी हो सकता है एंड टर्शियरी एमाइन भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि आपने कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अमोनिया NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं अगर यहाँ पर NH2R लगा दूँ, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, अगर एक एल्काइल ग्रुप हमारे पास है तो उसको हम कहेंगे 1 डिग्री. ये हमारे पास 1 डिग्री एमाइन होता है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आगे सेकेंड जो क्वेश्चन होगा उसके साथ आप इसको रिलेट कर पाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, NH3 में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल के अगर आप एल्काइल ग्रुप को वहाँ इंट्रोड्यूस करोगे तो वो 1 डिग्री बन जाएगा, मतलब प्राइमरी एमाइन बन जाएगा. वैसे ही अगर आप 2 हाइड्रोजन को निकाल कर वहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो 2 डिग्री एमाइन हमारे पास बन जाता है. और उसी तरह से अगर आप अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को निकाल के सॉरी तीनों हाइड्रोजन को निकाल के अगर आप वहाँ पर एल्काइल ग्रुप को ही इंट्रोड्यूस करते हो तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी एमाइन. तो 3 टाइप के हमारे पास एमाइन होते हैं: प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन. जिसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा वो प्राइमरी एमाइन होगा, जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेकेंडरी है, और जिसमें 3 होंगे उसको हम टर्शियरी एमाइन कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है एमाइन. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अपने. सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंपैरिजन ऑफ एलिफैटिक एमाइंस एंड अमोनिया. अब इसकी 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर. ये मैंने नीचे लिख लिया इसको, कंपैरिजन ऑफ एलिफैटिक एमाइंस एंड अमोनिया. तो अब हम देखेंगे एलिफैटिक एमाइंस और अमोनिया का कंपैरिजन देखेंगे, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इनकी देखेंगे कि ज़्यादा बेसिक कौन होता है, अमोनिया होता है या ये जो एलिफैटिक एमाइंस है ये होते हैं. ठीक है, एलिफैटिक एमाइंस भी आगे बहुत सारे टाइप के होंगे, उनको हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे. इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था. ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास अमोनिया है तो NH3. अब कोई भी एमाइन हम लेते हैं, एलिफैटिक एमाइन कोई भी लेना है, प्राइमरी ले लीजिए, सेकेंडरी ले लीजिए या टर्शियरी ले लीजिए. फॉर एग्जांपल, मैं टर्शियरी ले लेता हूँ. ठीक है, मैंने टर्शियरी ले लिया, N ये R हो गया, ये नीचे R है, मतलब इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हमारे पास जुड़े हुए हैं. 3 एल्काइल ग्रुप हमारे पास इसमें है. ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप हमारे पास इसमें है. ये देखिए, 1st, 2nd, 3rd. ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी लेना है आपने. ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास एलिफैटिक एमाइन हमारे पास है. ठीक है, अब इनका कंपैरिजन करके देखते हैं कि ज़्यादा बेसिक कौन है. अब बेसिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बेसिक हम किनको कहते हैं? बेसिक वो वाले हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जिनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकते हैं उनको हम बेसिक कहते हैं. ठीक है, या जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम बेसिक कहते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कॉन्सेप्ट लेके चलिए. वो वाले सब्सटेंसेस, वो वाले एंटिटीज़ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती है मोर ईजिली, उनको हम बेसिक कहते हैं, मतलब वो ज़्यादा बेसिक हमारे पास होंगे. ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर देखेंगे हम NH3 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में इसे आसानी हो. बीच में मैं N लिख लेता हूँ, ये H, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ फॉर एक मिनट, ये H. ठीक है, तो इनमें हमें देखना है कि ज़्यादा बेसिक कौन है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा. इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है हमारे पास, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट. मतलब जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ होती है, उनके पास 2 कैपेसिटीज़ होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, मतलब आगे की ओर चेन में जो है उनको पुश करवाते हैं. ठीक है, तो आपको पता होगा जो एल्काइल ग्रुप हमारे पास होते हैं वो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं. प्लस आई इफेक्ट मतलब ये देखिए, जैसे R है, R ने 3 बॉन्ड बनाए हुए. ठीक है, R ने 3 बॉन्ड बनाए हुए. ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है. अब हम देखेंगे दोनों ही नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर है. अब हम ये देखेंगे कि कौन सा नाइट्रोजन जो है मोर इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. जिसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. यहाँ पर देखिए 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, 3 हो, 2 हो या 1 हो. ठीक है, यहाँ पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री में डिफरेंस नहीं देख रहे हैं. ठीक है, अभी हम अमोनिया और इसके बीच में ही डिफरेंस देख रहे हैं. तो यहाँ पर
क्योंकि आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप हमारे पास प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश करता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा देगा। नाइट्रोजन के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पर थे ये मोर अवेलेबल हो जाएंगे। पहले से दो इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, मतलब अब नाइट्रोजन जो है और इजीली जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब कोई दूसरा जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। बेस आपको पता है ना, वो वाले एंटिटीज़ जो जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं या जो एक हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो जितने एल्काइल ग्रुप होंगे नाइट्रोजन के ऊपर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी बढ़ेगी तो इसके वो जो है मोर इजिली जो है एक हाइड्रोजन के आयन को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब यहाँ पर अगर हम देखें अमोनिया के साथ, अगर इसको कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे, सिंपल हाइड्रोजन लगे, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन लगे, तो यहाँ पर किसी भी तरह का हमारे पास यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा नहीं हो पाती। हालांकि ये अमोनिया जो आप देख रहे हो ये भी एक बेस है, लेकिन ये उतना मोर बेसिक नहीं है। इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास एलिफैटिक एमाइंस हो गए उनके कंपैरिजन में अमोनिया लेस बेसिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एलिफैटिक एमाइंस होते हैं उनमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और मोर इजीली यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो पाते हैं। ठीक है, सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।